इससे बढ़िया क्या काम तो हमको हमको मारा मैंने दो बार क्या आता प्रभारी मंत्री के नाते आज की मीटिंग से मेरे को काफ़ी संतोष। जब से मैंने इस ज़िले का प्रभार से शुरुआत की और आज जहां मैं हूं और जो विभिन्न विभागों ने जिस प्रकार से अपने अपने काम को आगे बढ़ाया है तो मैं सोचता हूं कि संतोष का लेवल काफ़ी अच्छा है। विशेष करके जो आरडी डिपार्टमेंट है ना हमारा, उसमें MLA फंड है, MP फंड है, बाकी जो हमारी नरेगा का है, बाकी जो काम है, काफ़ी अच्छी स्थिति में हम अधिक से अधिक कामों को कराए हैं। इवन PhD ने भी अपने काम को काफ़ी इम्प्रूव किया है। फिर भी कुछ ऐसी हैबिटेशन है जहाँ आज भी पानी की प्रॉब्लम है, उसके लिए पूरा कलेक्टर साहब ने अपनी तरफ से कहा कि जहाँ जैसी सुविधा आपको चाहिए, टैंकर लगाना, किसी भी प्रकार की कोई चीज़, वो सरकार ने भी हर एक को 100-100 हैंडपम्प दे रखे हैं। अगर वो हैंडपम्प की जगह वहाँ सफल नहीं हो रहा है तो वो सोलर से आजकल जो हम ट्यूबवेल लगाते हैं जिसके कारण से 10 लाख रुपये का खर्चा आता है, लेकिन उस समस्या को तो 100 हैंडपम्प की जगह 10 हैंडपम्प हो जाएंगे और इस समस्या का भी समाधान। इवन बिजली विभाग जो सामान्यतः बहुत नाराज़गी रहती है और कई बार गुस्सा आता है, लेकिन उनकी जो कुछ उन्होंने लाइनों को मेंटेन किया और जिस ढंग से भी पढ़ें, एक प्रॉब्लम उनकी ज़रूर आई है कि जब कभी भी रात का ब्लॉक देते हैं तो सवेरे का ब्लॉक नहीं मिलने से वाटर सप्लाई जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो हर एक की ये मांग थी कम से कम आधा घंटा है ना वाटर सप्लाई के लिए हमको दिन में दें, जिसके कारण से पानी का जो है हम अच्छी प्रकार से उसको कर सकें। थोड़ी बहुत जो नाराज़गी है वो नगर निगम और JDA से है, विशेष करके जो भूमि का आवंटन करना था विशेष करके सरकारी विभागों को ही, उसमें अभी जितनी गति चाहिए उसके कारण से नहीं हो रहा है, तो उससे सारा डेवलपमेंट काम जो है रुक रहा है। और दूसरा, रेती की उपलब्धता की कमी के कारण से भी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है, जो समय पे होना चाहिए वो समय पे नहीं हो पा रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि समस्याएं जो आज जो कुछ भी आई है वो है बहुत छोटी छोटी, लेकिन नगर निगम और UIT की समस्या से लोग अभी भी संतोष का जो लेवल चाहिए उसमें उतना सुधार नहीं हुआ जितना दूसरे डिपार्टमेंट का। मंत्री जी, गर्मी का महीना है, आग से नहीं? निश्चित रूप से है, हुई है, विशेष करके यहाँ से नहीं, मेरे एरिए में जहाँ जंगल है वहाँ आए दिन ये समस्या आ रही है। कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी विशेष करके जंगल में जो आग लग रही है उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। हम साधन भी भेजते हैं लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं है। अब हमने एक नई जो है ना उसको फायर को जो है ना रोकने के लिए 20 फीट का एक ड्रेनेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जंगल की आग को रोक सकें। इंडिविजुअल जगह भी जहाँ आग लग रही है उसके लिए जो साधन हमारे पास हैं उपलब्ध कराते हैं और जो कुछ मदद संभव हो सकती है, किसी का नुकसान हुआ तो उस मदद करने का प्रयास करें। सर, रिहायशी इलाकों में गोदाम बने ऐसे? देखो, इसके बारे में तो जो कानून से कार्रवाई हम कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे, अगर कहीं से भी कोई नियम विरुद्ध है तो ज़रूर उस पर कार्रवाई होगी। JDA रीजन में जो पट्टे को लेकर के नहीं, मैं क्या ना कि भाई जो सरकारी विभिन्न योजनाओं के लिए जो ज़मीन उपलब्ध होनी चाहिए उसमें अभी भी काफ़ी पेंडिंग है और उसके कारण से समय पे नहीं होने के कारण से जो निर्माण का काम हमारा प्रभावित हो रहा है उसके लिए JDA को पाबंद किया है। और उनको समस्या ये है कि जो चरागाह भूमि है ग्रामीण क्षेत्र में, तो चरागाह भूमि में भी हम सरकारी बिल्डिंग बनाने के लिए स्वीकृतियाँ दे रहे हैं, लेकिन अभी JDA ने इस मामले में थोड़ा सा पीछे चल रहा है, तो JDA के साथ एक अलग से कलेक्टर साहब और यहाँ के जनप्रतिनिधि बैठेंगे, बैठकर इस समस्या का समाधान करेंगे। एक मई से न्याय आपके द्वारा?
मैं सोचता हूँ न्याय आपके द्वार का अभियान अब चलेगा, और अब तक जो 3 अभियान चले हैं, अगर सबसे बड़ी ग्रामीण क्षेत्र में कोई उपलब्धि है तो न्याय आपके द्वार और एक मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, इन दो योजनाओं ने निश्चित रूप से गांव के लोगों को, सामान्य जन को बहुत अच्छा एक तरह से रिस्पॉन्स दिया है और उनको संतोष का लेवल बढ़ा है। जानकारी मांगी थी कि 12 वर्ष तक की बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं होती तो स्टेट उन्हें रोके, बतौर गृह मंत्री आप उनको रिपोर्ट क्या सबमिट करती हो क्या? मैं सोचता हूं कि राजस्थान भी उन राज्यों में है कि केंद्र के कानून आने के पहले ही हमने इस समस्या को देख करके हमारा कानून बनाकर केंद्र की स्वीकृति के लिए भेज दिया, लेकिन अब चूँकि केंद्र ने स्वयं ने इस पर निर्णय ले लिया, मैं सोचता हूँ उसके कारण से हमारा काम को एक तरह से बहुत आसान हो गया और सारे देश में इसको लागू किया है। अब जो भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, भविष्य में इस कानून के आधार पर जो कानून में सजा का प्रावधान है वो निश्चित रूप से मिलेगा। नहीं, हमें रिपोर्ट तो हम भेजते हैं, जैसे जैसे वो हमसे जो सूचना मांगते हैं वो हम देते हैं। बराबर मंत्री जी, कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया उदयपुर में। मैं सोचता हूँ शायद उनको सोचने की कमी है। अगर इस देश को रोड कनेक्टिविटी से किसी ने जोड़ा है और एक ऐतिहासिक काम किसी ने किया है, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। मेरे ट्राइबल एरिया में जंगल जंगल में सड़क चढ़ी है और गांव को अगर पहली बार 60-70 साल में सड़क के दर्शन हुए हैं तो इस राज्य में हुए हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर बना है उसके कारण से विकास का एक बहुत बड़ा आयाम बना है। मैं सोचता हूँ ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, इस भ्रष्टाचार पे अगर सबने ज़्यादा ज़बरदस्त किसी ने चोट की है तो जो लोग पैसे बांटने जाते थे वो बराबर उसको पहुँचते नहीं, और राजीव गांधी स्वयं कहता था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसा पहुँचता है। आज उस बेनिफिट को उस गरीब के हाथ में पहुँचाने के लिए जो किया है, मैं चाहूँ तो अगर 1 घंटे तक भी वो चाहें तो मैं सार्वजनिक मंच पर, पब्लिक उनकी भी है मेरी भी है, वो अपने काम को लेके आएँ कि हमने कुछ किया। हमने 11 वर्ष राज किया दिल्ली में, उन्होंने 59 साल तक किया। अब वो 59 साल का लेखा जोखा ले आए, मैं 11 साल के लेखे जोखे में भी इतना संतुष्ट उनको कर दूंगा कि हम कहीं कम नहीं है। आज की बैठक में जो प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्या थी, उन समस्याओं के बारे में भी चर्चा हुई, और पिछले 4.5 साल के अंदर जो विकास के कार्य हुए थे उन कामों का परिणाम क्या रहा उसकी भी चर्चा रही। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि MLA लैंड का जो पैसा था बहुत गति से इस वर्ष खर्च किया गया, और आने वाले समय के अंदर भी जो 18-19 का जो बजट है उस 18-19 के बजट के भी 70% के लगभग माननीय MLAs ने अपने प्रस्ताव भेज दिए हैं, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति में निकल चुकी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पेयजल के क्षेत्र के अंदर ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए कई माननीय सदस्यों ने टैंकर चालू करने के सुझाव दिए थे, और उनको भी माननीय मंत्री मोदी ने कहा कि विदिन 10 दिन के अंदर आप टैंकर की प्रक्रिया चालू करें ताकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। कई माननीय विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की जो पेयजल समस्या थी उसकी छोटी छोटी स्कीमें भी और प्रस्ताव बनाकर भेज दिए, कई जगह स्वीकृति भी हो चुकी है, कई जगह उनका काम भी शुरू हो चुका है, कुछ पाइपलाइन के अंदर है, लेकिन आने वाले समय के अंदर ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए इस समस्या से निजात कैसे मिले, तो तत्काल रिलीफ का जो काम है वो टैंकर पर किया है, और माननीय मंत्री जी ने तत्काल निर्देश दिए कि पेयजल की जो समस्या है उसके निदान के लिए तत्काल टैंकर चालू किए जाएँ।